हेलो दोस्तों, एम्बिशन एडुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं बिहार बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी का सिलेबस। जो सिलेबस है डिटेल में समझते हैं और बहुत बढ़िया से समझते हैं। प्राइमरी का क्या सिलेबस है, माध्यमिक का क्या सिलेबस है, हाई स्कूल का क्या सिलेबस है, ये सारे का वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। और सिलेबस अगर आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, सिलेबस को ढंग से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का जो दरवाजा है ना, दरवाजा वो ही आपका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस ढंग से समझ ले और बहुत समय आपको पता ही चल गया है, 3 महीना के अराउंड मिलेगा आपको, तो इसमें कैसे क्या पढ़ना है सिलेबस डिटेल से समझ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप ध्यान दें कि प्राइमरी में क्या करेंगे। जो प्राइमरी वाले टीचर भर रहे हैं तो प्राइमरी में भरे, अगर उच्च में हाई स्कूल में करना है या मिडिल स्कूल में क्या करना है, तो ये सारे चीज को एक एक करके सिलेबस समझ ले। तो आपका सबसे पहले क्या है कि जो इंट्रेंस भाग फर्स्ट में जो यूपीएससी लिया है तो वो भाषा ले रहा है, भाषा 100 नंबर का ले रहा है, प्रश्न संख्या 100 का है भाषा में। ये सभी को क्वालिफाइंग है 30% है एंड 30 मार्क का है। निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखेंगे, निगेटिव मार्किंग है, ये बहुत ही अच्छे से माइंड में फिट कर लें। प्लस 30 मार्क, ये 100 क्वेश्चन जो बनाएंगे भाषा से। अब इसमें भी क्या है, इंग्लिश 25% है, मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश 25 नंबर का पूछा जाएगा और 75 नंबर का भाषा, मतलब भाग वन में इंग्लिश आता है, भाग वन में इंग्लिश 25 नंबर का जो, और क्वेश्चन भी 25 ही रहेगा। और नेक्स्ट है भाषा जो है इंग्लिश रहेगा, नेक्स्ट में भाषा भाग सेकंड में 75 नंबर का क्वेश्चन, भाग सेकंड में 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 75 नंबर कहाँ से आएगा, तो भाषा से आएगा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, ये सारे से। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, ये जो सभी के लिए अनिवार्य है, सबको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और ये 2 घंटा का समय इसमें मिलेगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन अगर सही बना लेंगे, 30 क्वेश्चन अगर सही बन गया और 30 क्वेश्चन में आपका क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपका नेक्स्ट होता है एग्जाम 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 150 में कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो 150 नंबर का क्वेश्चन सभी के लिए होगा, अलग अलग, प्राइमरी के लिए अलग, हाई स्कूल के लिए अलग एंड मिडिल के लिए अलग। तो प्राइमरी में जो विषय चलता है उसके अकॉर्डिंग 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट से, जो प्राइमरी में है तो प्राइमरी से पूछा जाएगा। और जीके जीएस जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि प्राथमिक टीचर के लिए, जैसे जो भी सब्जेक्ट आप बनाएंगे रखेंगे, गणित हुआ एंड साइंस में तो नहीं, ये और भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश एंड और जो सब्जेक्ट है उसके अध्ययन के संबंध में पूछा जाएगा प्राइमरी के लिए। एंड मिडिल स्कूल के लिए क्या पूछा जाएगा, तो मिडिल स्कूल के लिए भी, मिडिल स्कूल के लिए 150 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा गणित विषय से, जिस विषय में, जिस क्लास में है, तो मिडिल में है तो मिडिल से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप रखते हैं एक सब्जेक्ट से। एंड नेक्स्ट उसमें भी 50 नंबर का क्वेश्चन जीके जीएस से होगा। आइए देखते हैं आगे क्या समझते हैं कि कोशिश करते हैं जीके जीएस में। एंड हाई स्कूल में जो पूछा जाएगा उसमें भी 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 नंबर का क्लास का पूछा जाएगा, जो भी हो, मैथ, साइंस, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी एक सब्जेक्ट आप रख लें, उर्दू, हिंदी, बंगला, जो भी चीज़ रखना है रख लें। एंड 50 नंबर का जीके जीएस होगा। तो आपका ये जो पहले आपने 30% का जो समझा है वो 30% क्वालिफाइंग हो गया, उसके बाद इसका 150 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा एग्जाम, जो 2 घंटे का होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगा और प्लस क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा एंड ऑप्शंस होंगे 4, उसमें से सिलेक्ट एक करना है।
बहुत ही ध्यान से बहुत ही मन लगा के पढ़ें भाई, और ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा झोलझाल नहीं है, ये पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बढ़िया हो गया है ये चीज, ये काम आप मन से पढ़ें और टीचर बन के बच्चे को भी मन से पढ़ाएं। आगे देखते हैं, ये टोटल सिलेबस आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर जो भी कमी बेसी हो रहा है कमेंट करें भाई, सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छे से अच्छा सारे सब्जेक्ट का हम डिटेल से, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे का करंट अफेयर, ये सारे का एकदम इम्पोर्टेंट सब पॉइंट आपके सामने रखा जाएगा। सो हमने पहले कई वीडियो बना चुके हैं, आप देखें उसमें जाके कि क्या चीज़ कैसे किया जा रहा है, सारे ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा मुझे एंड कुछ मैसेज करें जिससे हमें एनर्जी मिलेगा, और मन की एनर्जी ही कामयाब करता है। थैंक यू वेरी मच एम्बिशन एजुकेशन को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।